उत्तर नागपुर में शहर की पहली ई ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। 6000 स्क्वायर फीट में फैले इस ब्लड बैंक से उत्तर नागपुर परिसर के रहवासियों को सहायता मिलेगी, ऐसी जानकारी वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दी गई। एक इंसान के जिंदा होने में खून का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। खून की कमी के कारण कई लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस चीज को समझते हुए नासिकराव तिरपुरे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की शुरुआत की गई, जिसका गुरुवार को उद्घाटन किया गया। इस दौरान वहां स्थित गणमान्य व्यक्तियों ने बीसीएन समक्ष अधिक जानकारी साझा की। नासिकराव तिरपुरे हॉस्पिटल बहुत वर्षों से यहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अपनी बाकी संस्थाएं भी चल रही है, और आज एक विशेष उपक्रम। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा में एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सेवा होती है ब्लड देने की, किसी को रक्त पहुंचाया जाए, किसी को जीवन दान मिलता है उससे। और हमारे इस क्षेत्र में, विशेषकर उत्तर नागपुर में, काफ़ी वर्षों से इस चीज़ की आवश्यकता थी। ये ब्लड बैंक खोलने का उद्देश्य ये था कि ये जो हमारा जिस एरिया में ये ब्लड बैंक खुली है उत्तर नागपुर में, इस एरिया में बहुत बड़ा एरिया है, ये एरिया में ब्लड बैंक थी नहीं। यहाँ के लोगों को अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो सीधा शहर की ओर आगे जाना पड़ता, हॉस्पिटल तक ब्लड आने को टाइम लगता था। यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो उत्तर नागपुर परिसर में ब्लड बैंक न होने से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसको देखते हुए इस ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है, ऐसी जानकारी इस दौरान उन्होंने दी। आगे उन्होंने बताया कि ये ब्लड बैंक शहर की पहली ई ब्लड बैंक है, जिसका फायदा बड़े पैमाने पर लोगों को होगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ तिशा हटवार, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।